अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जो है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस पे बात करेंगे। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस जो है इज अ ब्रांच ऑफ मार्केटिंग वेयर वी आर टॉकिंग ऑफ हाउ टू कन्वे आर मैसेज टू द कंज्यूमर। उसमें जो है आपकी एडवर्टाइजिंग भी शामिल है, आपकी पर्सनल सेलिंग भी शामिल है, आपकी डायरेक्ट मार्केटिंग भी शामिल है, आपकी पर्सनल सेलिंग भी शामिल है, इवेंट्स भी शामिल हैं, पब्लिसिटी भी शामिल है। ये सारी चीज़ें जो हैं इस इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन को बनाती हैं या IMC को बनाती हैं। ठीक है, तो मार्केटिंग कम्युनिकेशंस क्या हैं कि आर द मीन्स बाय विच फर्म्स अटेम्प्ट टू इन्फॉर्म, पर्सुएड एंड रिमाइंड कंज्यूमर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अबाउट द ब्रांड्स दे सेल। क्या चीज? इन्फॉर्म, परसुएड एंड रिमाइंड, तीन स्टेप्स हैं। इन्फॉर्म, परसुएड एंड रिमाइंड। पहला क्या काम करना है? आपने इन्फॉर्म करना है अपने कंज्यूमर्स को, टेल देम दैट वी आर हेयर। ठीक है ना? देन यू नीड टू परसुएड देम सो दैट दे वुड go and purchase your product and make repeat purchases if they like. And then after some time you need to remind them ke we are still here for you, why are you swaying away or going towards the competition. To inform, persuade, remind, yaad rakhiye. Theek hai na? Thode thode dino baad agar aap dekhe तो एड्स रिपीट हो जाते हैं, वो आपको याद कराते हैं कि हम भी हैं। आजकल जो है सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो सारे के सारे जो एड्स हैं जो टेलीकॉम कंपनीज के हैं वो आपको रिमाइंड कराते रहते हैं। एक तो वो आपको परसुएड करते हैं इन टर्म्स ऑफ जब वो प्राइस कटिंग करते हैं कि आप जो है वो अपना नेटवर्क स्विच कर लें। ठीक है ना? अदरवाइज वो आपसे जो है सीधा सीधा आपको वो इन्फॉर्म कर रहे होते हैं अपनी नई से नई प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है ना? एंड देन जब वो कुछ नया नहीं ऑफर कर रहे होते तो वो आपको रिमाइंड ही करा रहे होते हैं जी वी आर हेयर। अब कुछ अर्सा पहले जो है वो सच्ची यारी सब पे भारी टेलीनॉर ने वो रिमाइंड कराना शुरू कर दिया कि भाई we are here for you, we are doing so much and you know yet again you are going towards consumers, so please aap jo hai you come back to us. aap jo hai unko jo hai persuade kar rahe hote hain ki ji itne minutes aur itne sms aur itne mb internet ye sab free agar aap apni sim wapas laga lenge. so mukhtalif jagahon pe mukhtalif stages pe mukhtalif kaam ho rahe hain. ठीक है ना? कोक जो है वो पहले जो है कुछ अर्सा पहले वो सारी जनरेशन खा ले पी ले जी ले। ठीक है ना? उसमें एवरीबडी इज हैविंग फन ऑन अ टेबल फुल ऑफ फूड। नाउ जो है दे आर यू नो के सब कुछ कह दो वाला जो है उन्होंने नया कैंपेन स्टार्ट की है। ठीक है ना? The parents, the friends, sisters, brothers, गर्ज। और अभी जो है उन्होंने एक और नई कैंपेन जो स्टार्ट की है जिसमें लोगों के नाम लिखे हुए लेबल्स के ऊपर। तो यू फाइंड योर लेबल एंड देन पीपल आर फाइंडिंग देयर लेबल्स एंड पुटिंग देम ऑन फेसबुक। सो ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग जो है सच एज TV, रेडियो, मैगजीन, न्यूज़पेपर्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी ग्रिप लूज कर रहे हैं अटेंशन सीकिंग में। ठीक है, मैंने आप पिछले लेक्चर में भी आपसे जब बात की थी तो आपको यही कहा था कि जब आप प्रोग्राम देख रहे होते हैं तो एज सून एज प्रोग्राम में ब्रेक आती है और एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं वो चलने शुरू हो जाते हैं तो क्या होता है कि आप चैनल स्विच करने लग जाते हैं। अखबार पढ़ा होता है आपने, अपनी मर्जी की खबर पढ़ी उसके बाद आपने अखबार साइड पर रख दिया। सेम गोज फॉर मैगजीन्स। रेडियो में जो है
एफएम पे, जब तक तो जो है आजकल लोग एफएम ही ज्यादा सुनते हैं, तो आप गाना सुन रहे होते हैं या बात सुन रहे होते हैं, एज सून एज वो बीच में ब्रेक आती है आप चैनल स्विच करने लग जाते हैं, ठीक है ना, या आप सीडी प्ले करने लग जाते हैं। मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स डोंट इवन लिसन टू दैट रेडियो बिकॉज दे से कि यार आजकल रेडियो में इतने एड्स आने लग गए हैं कि इट्स अनोइंग, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि जो इंटरनेट हैज बिकम यू नो वन ऑफ द मोस्ट वायबल मीडियाज, और उसकी वजह क्या है कि लोग खुद जो हैं वो एक यूआरएल टाइप करते हैं और उस वेबसाइट के ऊपर जाते हैं बिकॉज दे वांट सर्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर, तो वो ऑटोमेटिकली वहां पे ग्लूड है उसके आगे, ठीक है, वाइल वर्किंग या एट लीजर बैठे हुए हैं वो देख रहे हैं, तो जो एड्स हैं वो भी साथ साथ पॉपअप होने लग जाते हैं और आपको वो डिफरेंट चीजें बताते हैं। सो लाइक इन 2005 दे वर लाइक $18 बिलियन वर स्पेंट इन एडवर्टाइजिंग, ठीक है, और वो कहते हैं कि जी, और जो वेब एडवर्टाइजिंग है वो 20% जंप की, और टीवी की जो थी स्पेंडिंग वो फ्लैट ही रही वहीं पे, जो जो भी फिगर उसमें आ रही थी, तो देर वॉज अ जंप ऑफ 20%। कमिंग बैक, अगर आप इंटरनेट पे अब इस वक्त देखें तो ये जो है इट्स हैज गॉन ओवर $1 ट्रिलियन, एडवर्टाइजिंग हैज ग्रोन सो मच ऑन इंटरनेट। तो आपको जो है अब इंटरनेट की पावर का लोगों को एहसास होने लग गया, वो वेब पे ऐसी एप्लीकेशंस बनाने लग गए हैं कि पीपल जो हैं दे आर एंगेज्ड विद द ब्रांड, गेम्स बनाने लग गए हैं सो दैट पीपल आर एंगेज विद द ब्रांड, उनको रिमाइंडर बार बार मिलना शुरू हो गया, ठीक। सो आपका क्या, जो एक सिंपल टेस्ट क्या है कि आपका करंट ब्रांड नॉलेज क्या है कंज्यूमर का, ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि करंट ब्रांड नॉलेज कितना है, एंड देन डिजायर्ड ब्रांड नॉलेज कितना होना चाहिए, दिस इज वॉट यू नीड टू यू नो असेस कि कितना ब्रांड नॉलेज जो है वो आप कंज्यूमर को देंगे कि वो ब्रांड लॉयल रहे, बिकॉज द मोर यू नो अबाउट अ पर्सन द मोर यू टेंड टू लाइक हिम और हर। जो बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं ना कि उनको जो है अपने दोस्त के बारे में बहुत कुछ पता होता है, और सम इवन से कि मुझे सब कुछ पता है, वो इसीलिए होता है कि वो जो डिजायर्ड नॉलेज है वो उस लेवल तक होती है आपके पास, तो आपके पास उसके सारे सीक्रेट्स होते हैं, ठीक है ना, हर बुरी अच्छी बात का आपको उसको पता होता है, एंड येट अगेन उन सारी बुराइयों के साथ उन सारी अच्छाइयों के साथ आप उस जो है दोस्त के साथ रहते हैं, आप उसको अच्छे बुरे वक्त में सपोर्ट करते हैं। यही जो ब्रांड है वो भी यही चाह रहा है कि वो आपके साथ ऐसी रिलेशनशिप बन जाए कि यू आर फ्रेंड्स विद दैट ब्रांड, तो वो एक डिजायर्ड लेवल ऑफ नॉलेज आपको वो देगा तो आप उसके साथ वो फ्रेंडशिप कायम रहेगी ना। सो ये जो है, और वो कहाँ से आएगी कि जब तक कोई उसको कम्युनिकेट नहीं करेगा, जब आप उसको कम्युनिकेट करेंगे तो फिर जो है वो लोगों को बात समझ में आने लग जाएगी, ठीक है ना। सो वो उसको कम्युनिकेट करना बहुत सख्त जरूरी है, वो नॉलेज देना बहुत सख्त जरूरी है, सो दैट यू नो पीपल रियली अंडरस्टैंड व्हाट द ब्रांड इज ऑल अबाउट। अब जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस मॉडल है ऑफ एनी पर्सन इज एक्सपोजर अटेंशन कॉम्प्रिहेंशन यील्डिंग इंटेंशंस बिहेवियर, ठीक है, कि आप उसको एक्सपोज करते हैं, उसकी अटेंशन ग्रैब करते हैं, उस जब अटेंशन होती है तो फिर उसके बाद जो है वो उसको कॉम्प्रिहेंड करता है, उसको प्रोसेस करता है अपने पास, ठीक है ना, उसमें से
जो है जो रिक्वायर्ड जो यील्डिंग में जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो उसको अपने पास प्रोसेस करके रखता है, और फिर वो एक इंटेंशन डेवलप होती है टू गो और फुलफिल योर नीड, एंड देन वो जो है उस बिहेवियर में इज लाइक यू गो एंड बाय दैट प्रोडक्ट, चेक आउट, टेस्ट करते हैं आप। तो ये जो कम्युनिकेशन है ये क्या कर रही है, ये एक कम्युनिकेशन आपको इस तरह इन्फॉर्मेशन देके एक्सपोज कर रही है, आपकी अटेंशन ग्रैब कर रही है, आपको एक को समझ देने की कोशिश कर रही है अबाउट दैट ब्रांड, उसकी एक्टिविटीज, उसकी वैल्यूज, ठीक है ना, उसके बेनिफिट्स, उसके एट्रीब्यूट्स आपको बता रही है। आपके लिए बहुत सख्त ज़रूरी है कि आप जो है इसको समझें और इसको आगे लेके चलें, ठीक है। अब जो ऑप्शंस हैं आपके पास वो क्या हैं कि आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, आप प्रमोशन कर सकते हैं, इवेंट मार्केटिंग, स्पॉन्सरशिप्स कर सकते हैं, पब्लिक रिलेशंस एंड पब्लिसिटी की बात कर सकते हैं, पर्सनल सेलिंग की बात कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग जो है वो सबसे आसान लगता है, येट अगेन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट देन अगेन उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको ना करें, मतलब एवरीबडी डज इट एंड यू हैव टू डू इट टू, यू हैव टू यू नो टेक दैट शॉट। तो एडवर्टाइजिंग आप करते हैं, और उस एडवर्टाइजिंग में सबसे बड़ा जो मीडियम है वो टीवी है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता अब इंटरनेट जो है वो भी एक बहुत बड़ा मीडियम बनता चला जा रहा है, और लोग जो हैं वो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो इस एडवर्टाइजमेंट में डालते हैं। आजकल जो है हम अक्रॉस द बॉर्डर सारी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज जो हैं वो आपको ले जाती हैं, इंडिया में वो जो है कॉन्सेप्ट यहाँ से लेते हैं, उसके बाद इंडिया जाते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, वहाँ पे शूट करते हैं, मकसद मलेशिया में शूट हो रही हैं, थाईलैंड में शूट हो रही है, और वहाँ से वो एड शूट होके वापस आता है और फिर वो यहाँ पे प्ले होता है। सो आपको जो है यहाँ पे मैं आपको अभी एरियल का और करोला का एड दिखाऊंगा, ठीक है, और आप देखेंगे वो किस तरीके से अपने एट्रीब्यूट्स को, अपने बेनिफिट्स को जो है आप तक पहुंचाते हैं। मतलब वो दो के जो एड्स मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा वो जो है इस मार्केट के लिए यानी इस एशियन मार्केट के लिए नहीं बने हैं, लेकिन इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू अंडरस्टैंड कि व्हाट दिस ब्रांड इज ऑल अबाउट, हाउ केयरिंग दैट ब्रांड इज टूवर्ड्स इट्स कंज्यूमर्स और इट्स कस्टमर्स, ठीक है। फिर प्रमोशंस आती हैं, प्रमोशंस में आप जो है सेल लगा देते हैं, आप बाय वन गेट वन फ्री कर देते हैं, ठीक है ना, और आप कह देते हैं कि यू बाय दिस प्रोडक्ट एंड यू विल गेट दिस फ्री, जिस तरह आप आजकल जो है प्रमोशन अगर आप देखें तो वो पेप्सी की प्रमोशन जो है वो चल रही है कि उसके साथ जो है वो लेज का पैक जो है वो फ्री मिल रहा है, क्या आप पेप्सी का कैन लेते हैं या पेप्सी की जो है ना 1.5 लीटर की बॉटल लेते हैं तो उसके साथ वो डिफरेंट साइजेस हैं लेज के, जो तो वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को। सो इस किस्म की प्रमोशंस होती हैं, मकसद अगर आप जो है फिर उसके बाद इवेंट मार्केटिंग एंड स्पॉन्सरशिप, इवेंट मार्केटिंग जो है वो जगह जगह कियोस्क लगे होते हैं, वो आपको टेस्टिंग करवा रहे हैं, कोई आपको फ्री में कोई अपना पाउचेस दे रहे हैं डिटर्जेंट्स के और इस तरह। फिर स्पॉन्सरशिप, मकसद फुटबॉल सीजन इज ऑन, वर्ल्ड कप, तो आप देखें कितना बड़ा जो है ना एक आपके पास फसाड है जिसके ऊपर जो है यू कैन पुट ऑन सो मैनी थिंग्स। गर्ज ये कि यू कैन सेल एवरीथिंग देयर, जो है जो लोगों के जो यूनिफॉर्म्स हैं, ठीक है, वहां पे जो फील्ड में जो सीट्स हैं, ठीक है, वहां पे जो इनक्लोजर्स बने हुए हैं, ये सब जो है वो स्पॉन्सरशिप में आ जाते हैं। एंड देन जो है इससे इस
एक्सपोजर बढ़ रहा है, लोगों को ब्रांड के बारे में पता चल रहा है, ऐसे ब्रांड्स जो के पहले वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे बट नाउ दे आर देयर, और वो अपने आप को क्या एक एज अ ग्लोबल एंटिटी शो कर रहे हैं ना, वो अपनी जो है किसी एक खास मुल्क के साथ जो है अपनी एसोसिएशन नहीं शो कर रहे, दे वॉन्ट यू टू नो कि वी आर नाउ अ ग्लोबल ब्रांड, हमारी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो वर्ल्ड वाइड है, ठीक है। फिर वो पब्लिक रिलेशंस एंड पब्लिसिटी है, अब इस पब्लिक रिलेशंस एंड पब्लिसिटी में जो है आपके अपने लोग जो हैं वो भी शामिल होते हैं, कुछ कंपनीज हैं जो कि आपको आपके साथ एंगेज होती हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं, और वो जो हैं आप उस जिस भी कैटेगरी में आप ऑपरेट कर रहे होते हैं वहाँ के जो लोग होते हैं हु आर एक्सपर्ट्स इन दैट फील्ड, उनको आप एंगेज करते हैं ताकि वो आपके बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें लिखें, ठीक है, आपके बारे में आपके ब्रांड के बारे में बताएं। जिस तरह जो मोस्ट फॉलोड प्रोग्राम इन टर्म्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स इज टॉप गियर, बीबीसी का एक प्रोग्राम है, तो जितनी भी नई गाड़ियां मार्केट में आती हैं हु वांट अ सर्टन सॉर्ट ऑफ यू नो अ पब्लिसिटी बिकॉज दैट प्रोग्राम हैज गॉट अ कल्ट फॉलोइंग, मतलब पीपल यू नो बिफोर बाइंग अ कार दे वुड यू नो वेट फॉर दैट राइट प्रोग्राम टू कम, जिसमें जो है उस गाड़ी के बारे में एक रिव्यू आए, तो वो उस रिव्यू को सुनने के बाद दे मेक अ डिसीजन के वेदर वी वॉन्ट टू गो एंड बाय दैट कार और नॉट, तो दैट इज अ सॉर्ट ऑफ अ पब्लिसिटी स्टंट दैट यू नो दीज कार मेकर्स हैव, एंड देन यू हैव यू नो पर्सनल सेलिंग, यू हैव योर ओन पीपल गोइंग फ्रॉम डोर टू डोर एंड ट्राइंग टू सेल योर प्रोडक्ट। तो एडवर्टाइजिंग इज अ पावरफुल मीन ऑफ क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग फेवरेबल यूनिक ब्रांड एसोसिएशन एंड एलिसिटिंग पॉजिटिव जजमेंट्स एंड फीलिंग्स, तो इट इज अ पावरफुल मीन ऑफ क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग फेवरेबल एंड यूनिक ब्रांड एसोसिएशन, इट अराउजेज पॉजिटिव फीलिंग्स पॉजिटिव जजमेंट, ठीक है। सीबीबी मॉडल एडवर्टाइजिंग जो है जजमेंट और फीलिंग को जब अराउज करता है इन अ पॉजिटिव वे तो यू फील गुड अबाउट द ब्रांड एंड यू लाइक टू यू नो फॉर्म अ रिलेशनशिप विद दैट ब्रांड। अभी आजकल जो है मार्केट में अगर आप देखें तो देर इज अ यू नो अ ब्रांड वॉर गोइंग बिटवीन ऑलपर्स एंड मिल्क पैक, ठीक है ना, बिटवीन नेस्ले एंड एंग्रो, बट ऑल ऑफ अ सडन यू सी देर आर यू नो टू और थ्री मोर ब्रांड्स दैट हैव यू नो क्रॉप्ड अप। हलीब जो है हैज टेकन अ यू नो अ बैक सीट, लेकिन अगर आप उसको देखें तो जो है इन्होंने इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग एड कैंपेन्स आ रही हैं, ठीक है, वो वाइल यू नो मिल्क पैक इज यू नो totally portraying itself as a pure milk, Allpurs is not. Allpurs is you know saying you know is captivating on the essence of Ramzan, or they are talking about peace, they are talking about Ramzan and the values that you know our culture has. They are not concerned with what you know milk pack is saying. लेकिन वाइल दीज टू आर फाइटिंग फॉर द टॉप स्लॉट वी हैव यू नो ब्रांड्स लाइक प्रीमा एंड अनहार एंड गुड मिल्क हु आर यू नो इन वन वे और अनदर आर नॉट डायरेक्टली यू नो कमिंग इन टू कॉम्पिटिशन विद दैम इन एडवर्टाइजिंग दे आर मोर कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन द बिलो द लाइन एंड यू नो डिस्ट्रीब्यूटर्स पुश जो चैनल मार्केटिंग है वो उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं सो दैट यू नो दे कैन मेक इन रोड्स इन टू दिस पैकेज्ड मिल्क मार्केट। जब बड़ी कंपनीज आपस में लड़ रही होती हैं तो छोटी कंपनीज जो हैं उनका काम ये है कि वो अपना काम निकाल लें, दे शुड यू नो जो थोड़े से लोग हैं जो कि दे हु आर नॉट कन्विंस्ड
with either of the you know top two people, grab hold of them, give them a good product, make convince them so that you know they buy your product. So advertising jo hai in terms sometimes is also a controversial thing because वो जो है सर्टन स्पेसिफिक इफेक्ट्स की बात हो रही होती है और उसके अंदर जो है कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि लोग क्वांटिफाई नहीं कर पाते, उसको जो है प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि ये क्या हो रहा है. लेकिन एक बहुत बड़ी वजह कि ब्रांड बिकता है इज दैट एडवर्टाइजिंग. अब आप जो है यहाँ पे कभी देखें कि लुइस वीटों की कोई एडवर्टाइजमेंट्स नहीं है, ठीक है ना, बिकॉज वो इस पाकिस्तान को जो है अपनी मार्केट ही तसव्वुर नहीं करते कि वो कहते हैं कि जी हमारा ब्रांड इतना महंगा है कि यहाँ पे एक ऑर्डिनरी आदमी या यहाँ के जो लोग हैं वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते. लेकिन भला हो इन काउंटरफीटर्स का, ठीक है ना, रेप्लिका मेकर्स का या फेक प्रोडक्ट्स बनाने वालों का कि दे हैव फ्लडेड द मार्केट. तो लुइस वीटों के जो है ना वो फेक बैग्स आर एवरीवेयर इन द मार्केट, चाइना से हांगकांग से बन के वो आ रहे हैं और वो वहां पे एंड पीपल नो दिस ब्रांड के वहां पे वो जी वो बैग चाहिए जिसके ऊपर एल और वी लिखा हुआ होता है, ठीक है ना. मार्केटिंग उस तरह नहीं हुई, एडवर्टाइजिंग इस तरह नहीं हुई, लेकिन इस तरह एडवर्टाइजिंग हो गई है कि मार्केट में आपको एल और वी लिखे हुए बैग्स मिल रहे हैं. तो ये है. तो एक आइडियल एड कैंपेन जो है वो क्या करती है, वो इंश्योर करेगी कि द राइट कंज्यूमर इज एक्सपोज टू द राइट मैसेज एट द राइट प्लेस एंड एट द राइट टाइम. राइट कंज्यूमर, राइट प्लेस, राइट टाइम. अब अगर आप देखें तो सुबह का जो टाइम स्लॉट था somewhere around like 9:30 till 12 o'clock, आपके ये morning shows जो हैं बहुत popular होने लग गए because that was the time when you know all the men have gone to work and children have gone to school and colleges, so the women of the house were there, so they were you know into these morning shows. And in those morning shows all sort of designers and you know chefs and you know other people of interest were coming, giving interviews, showing off their you know stuff. तो उसमें जो है जो अगर आप उस time के जो ads अगर आप note करें जो उस वक्त आ रहे थे during the breaks and the products that were being highlighted in those morning shows were related to household, were related to ब्यूटी ऑफ वेमेन, कॉस्मेटिक्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहे थे. तो लाइक उन्होंने वो टाइम स्लॉट देख लिया था कि जी ये दिस इज द राइट टाइम टू मार्केट आवर प्रोडक्ट, टू एडवर्टाइज आवर प्रोडक्ट एट दैट टाइम. एंड देन यू नो द रेटिंग्स ऑफ द प्रोग्राम्स वर डिटर्मिंड कि किस में किसकी रेटिंग ज्यादा जा रही है, तो उधर ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट जो है उसका शिफ्ट होने लग गया था. सिमिलरली फ्रॉम यू नो फ्रॉम 7 o'clock टिल 9 o'clock यू वुड फाइंड कि उस वक्त जो है वो सोप्स चल रहे थे, ड्रामास चल रहे थे, उस वक्त भी सारी फैमिली बैठी होती थी, तो वो फैमिली ओरिएंटेड जो एड्स थे वो चलने लग गए. लेकिन इन बिटवीन जो है वो टेलकोज वाले जो थे दे थॉट के यार मकसद ये तो हम सारी जो सारा टाइम है वो हमारी मार्केटिंग ही है, क्योंकि खातून खाना को भी जो है मोबाइल फ़ोन चाहिए, बच्चों को भी मोबाइल फ़ोन चाहिए, जो मर्द हजरात हैं उनको भी मोबाइल फ़ोन चाहिए, ठीक है, बुजुर्गों को भी चाहिए. सो एवरीबडी नीड्स दिस मोबाइल फ़ोन सर्विस, तो हम क्यों पीछे रह जाए. सो दे आर यू नो डूइंग देयर मार्केटिंग ऑल डे लॉन्ग. सेम गोज फॉर मोबाइल फ़ोन्स, वो भी सारा दिन जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन डिफरेंट सेट्स जो हैं वो बेच रहे होते हैं, ठीक है. So the creative strategy for the advertising causes the consumer to notice and attend to the ad but does not distract from the intended message. अब क्या है कि creative strategy इस तरह बनाई जाती है कि consumer जो है notice तो करे ना आपके ad को,
लेकिन जो मैसेज है इट शुड यू नो बी कन्वेड. ये ना हो कि क्रिएटिव स्ट्रेटेजी ऐसी बन जाए कि मैसेज जो है उसमें डिस्टॉर्ट हो जाए. माउंटेन ड्यू का एड देखिए, उसके अंदर वो एक्सट्रीम स्टंट्स हो रही होती हैं, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स हो रही होती हैं, लेकिन जो मैसेज है वो ये है कि इट गिव्स यू एनर्जी. इट इज अ सॉफ्ट ड्रिंक बट इट हैज मोर एनर्जी. अब वो मोर एनर्जी जो है वो आपको बता नहीं सकते कि कहां से आ रही है, बिकॉज इट हैज फोर टाइम्स मोर कैफीन देन अ रेगुलर कोला एंड 8 times मोर शुगर देन अ रेगुलर कोला. वो एनर्जी वहां से आ रही है. एंड येट अगेन इट इज नॉट एन एनर्जी ड्रिंक, इट इज कंपीटिंग इन अ सॉफ्ट ड्रिंक कैटेगरी. लेकिन वही चीता भी पीता है. आप उसको जो है हाउ कैन यू नो कैच अ चीता, बट देन अगेन यू आर ड्रिंक माउंटेन ड्यू ड्रिंक यू कैन डू दैट. दिस इज वॉट दे आर इम्प्लाइंग. You can do extreme stunts or extreme sports because you have got extra energy, extra kick. ठीक. So the ad properly reflects the consumer level of understanding about the product and the brand. It has to be like that. अगर आप जो है लक्स का ad उठा लें तो कंज्यूम उसमें it talks about beauty. And beauty is all about, you know, these beautiful women on the screen, whether it be, you know, Bollywood or Hollywood or our Lollywood. So these beautiful women that we adore, to wo jo hai unko wo dikhate hain aur wo convey karte hain ki it's a beauty soap. Maksad, look at their skin. To ye jo hai यहां पे आपको मैं जो कंज्यूमर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसको इतना सिंप्लीफाई भी कर देते हैं ताकि लोगों को वो समझ में आ जाए. अब फिर द एड करेक्टली पोजिशन द ब्रांड इन टर्म्स ऑफ डिजायरेबल एंड डिलीवरेबल पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस एंड पॉइंट्स ऑफ पैरिटी. अब पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस और पॉइंट्स ऑफ पैरिटी जो है आपने कौन कौन से डिफरेंसेस जो है वो उसमें शो करने और रिलेट करने हैं वो उनको करेक्टली पोर्ट्रे करता है. ये जो पेप्सी है और कोक है दोनों कोला है, ठीक है ना, अमृत कोला है, गोरमे कोला है, बट देन दे हैव देयर ओन डिफरेंट डिस्टिंक्ट टेस्ट्स, ठीक है ना. तो पॉइंट्स ऑफ पैरिटी तो वही कोला वाला है, लेकिन देन अगेन जो टेस्ट में और उसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो डिफरेंट है. तो द एड मोटिवेट कंज्यूमर्स टू कंसिडर परचेज ऑफ द ब्रांड्स. और वो जो है वो एक इंस्टिगेट करता है फीलिंग कि यू शुड गो एंड बाय दैट ब्रांड. पेप्सी को पी के या सेवन अप को पी के वो पीता देख के इन द एड आपका भी दिल करता है कि हाँ यार मुझे भी पीना है, हाँ इस वक्त मुझे चाय की जरूरत है, या मुझको जो है एक नई शर्ट खरीदनी है, या मुझे ये नया सूट खरीदना है, मुझे ये लिपस्टिक चाहिए, मुझे ये मस्कारा चाहिए, मुझे ये ब्लश ऑन चाहिए, ठीक है ना, मुझे ये परफ्यूम चाहिए. तो ऑल ऑफ अ सडन यू रियलाइज कि यू हैव दैट नीड विच वॉज देयर समवेयर इन द बैक ऑफ योर माइंड एंड यू कुड नॉट पिन पॉइंट कि आपको क्या चाहिए. तो वो जो एड है वो आपको रिमाइंड करा देता है और आपको परसुएड करता है कि गो एंड मेक दैट परचेज यार, ट्राई मी आउट. तो फिर जो है द एड क्रिएट स्ट्रॉन्ग ब्रांड एसोसिएशन टू ऑल ऑफ दीज स्टोर्ड कम्युनिकेशन इफेक्ट सो दैट दे कैन हैव एन इफेक्ट वेन कंज्यूमर्स आर कंसिडरिंग मेकिंग अ परचेज. तो जो यही एड्स जो हैं ये बैक ऑफ योर माइंड चल रहे होते हैं और वो उसमें जो है ना वो सारे एट्रीब्यूट्स और बेनिफिट्स आपके दिमाग में होते हैं और वो रिकॉल आपके पास आती है और उस रिकॉल को आप जब देखते हैं, देखते क्या मकसद, जब वो रिकॉल माइंड में होता है तो यू आर रेडी टू मेक दैट परचेज. जहां पे ज्यादा पैसे इन्वॉल्व हो रहे होते हैं वहां पे आप जो है लोगों की
मदद ले रहे होते हैं, और जहां पे इतने पैसे इन्वॉल्व नहीं हो रहे होते हैं, तो यू जस्ट गो एंड मेक दैट परचेज। अब इतने सारे शैम्पूज हैं मार्केट में अवेलेबल, बट व्हेन यू आर देयर, मतलब अगर तो यू फाइंड द यू नो मैसेज फेवरेबल इन वन ऑफ दोज एड्स एंड इट इज अकॉर्डिंग टू व्हाट योर नीड इज ऑल अबाउट, यू वुड गो एंड बाय दैट ब्रांड। अदरवाइज यू वुड यू नो यू फाइंड आउट, बिकॉज इट इज वन ऑफ दोज थिंग्स के यू डू नॉट वॉन्ट टू लूज हेयर, सारी लुकी बर्बाद हो जाती है जब बंदा गंजा हो जाता है। तो आप यू वुड यू नो सिलेक्ट योर शैम्पू वेरी केयरफुली, आप जो फेस पे क्रीम लगानी होती है यू वुड यू नो यूज दोज क्रीम्स वेरी केयरफुली, यू वुड बी वेरी चूजी कि आपने कौन सी लेनी है। सो यू वॉन्ट टू नो द राइट एट्रीब्यूट्स। तो अगर वो कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपरली हो गई होगी उस एड के अंदर, तो इट वुड मेक ऑल द सेंस टू यू, अदरवाइज इट वुड नॉट। अब डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एडवर्टाइजिंग जो है, जैसे मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट, डायरेक्ट रिस्पॉन्स, इंटरैक्टिव वेबसाइट्स, ऑनलाइन एड्स, मोबाइल मार्केटिंग, प्लेस एडवर्टाइजिंग में लाइक बिलबोर्ड, मूवीज, एयरलाइंस, लाउंजेस, प्रोडक्ट प्लेसमेंट, पॉइंट ऑफ परचेज एडवर्टाइजिंग, ये सारी जो कैटेगरीज हैं ये आपकी आर देयर एंड आर बींग यूज एवरी डे। इसमें जो है कुछ अबव द लाइन एक्टिविटीज हैं, कुछ बिलो द लाइन एक्टिविटीज हैं, और ये जो है आपको देखना होगा कि आपके ब्रांड को क्या चीज सूट करती है। मतलब जो लग्जरी ब्रांड्स हैं वो दे वुड नॉट गो फॉर यू नो बिलो द लाइन एक्टिविटी, वो हमेशा अबव द लाइन एक्टिविटी पे करेंगे। दे आर मोर कंसर्न विद यू नो प्रिंट एड्स एंड यू नो टेलीविजन, तो एंड देन यू नो दे आर मोर इनटू पब्लिसिटी एंड पीआर रिलेटेड एक्टिविटीज। सो ये आपको देखना है कि आपका ब्रांड जो है वो किस कैटेगरी में है और वॉट सूट्स योर ब्रांड। प्रोमोशंस क्या हैं? प्रोमोशंस जो है शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स टू इनकरेज ट्रायल और यूजेज ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस है। मार्केटर्स कैन टारगेट सेल प्रोमोशंस एट आइदर द ट्रेड और एंड कंज्यूमर्स। कंज्यूमर प्रमोशंस आर डिजाइन टू चेंज चॉइसेस, क्वांटिटी और टाइमिंग कंज्यूमर प्रोडक्ट परचेज, एंड ट्रेड प्रमोशंस आर ऑफन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और डिस्काउंट्स गिवन टू रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर। तो प्रमोशंस क्या हैं कि प्रमोशंस आपको शॉर्ट टर्म इंसेंटिव दे रही हैं, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव दे रही हैं कि वो आपको इनकरेज करती हैं कि आप जो है ट्राई तो करें हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। उसमें जो है अगर आपने देखा हो तो छोटे छोटे वो जो कियोस्क लगे होते हैं आजकल और रोड शोज हो रहे होते हैं, कहीं वो एक ट्रक खड़ा हुआ होगा और वो जो एक छोटा कोई मैजिक शो हो रहा होगा, कुछ हो रहा होगा, वहाँ पे बच्चों को बड़ों को वो इंगेज कर रहे होंगे, या वो ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक चल रहा होगा और फिर जो है ना वो लाइट्स होंगी और फिर वो आपको बताएंगे कि जी हमारे पास ये प्रोडक्ट है और ये इस तरह आपको फ़ायदा करती है। तो इसमें एरियल ने भी ये किया हुआ है, वो प्रमोशंस सन सिल्क, सर्फ, एक्सेल, आजकल PTCL वाले जो हैं वो बहुत ये प्रमोशंस कर रहे हैं। वो क्या करते हैं कि आपको जो है वो वहाँ पे देंगे छोटे छोटे पैकेजेस दे देंगे कि आप इसको जाएं इस्तेमाल करें, और अगर जो है वहाँ पे कोई खाने पीने की चीज़ है तो वो वहीं पे बना के भी आपको खिला रहे होते हैं ताकि आप उसको टेस्ट कर सकें, और अगर आपको वो अच्छी लगे चीज़ तो आप वो वहाँ पे ख़रीद सकें, या उसके पास जो स्टोर होगा वहाँ से आप वो जाके ख़रीद लीजिए। सो ये प्रमोशन जो हैं ये बहुत सारी चलती हैं, और कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप जो रिलेटेड चीज़ होती है वो साथ कहीं दूसरे शेल्फ पे रख देते हैं। जैसे जो है हमारे यहाँ तो चटनियों का रिवाज है, जो वेस्ट में जो है वो डिप्स कहलाती हैं, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की डिप्स होती हैं जो कि वो चिप्स के साथ खाते हैं। तो डिप्स का सेक्शन और चिप्स का सेक्शन जो है वो अलग अलग रखा हुआ था उन्होंने, क्योंकि वो जो है जहाँ पे वो केचप वगैरह और सॉसेस रखी होती हैं वहीं पे उन्होंने डिप्स रखी थी, और जो है वो स्नैक्स का जो सेक्शन था वो अलग था। तो उन्होंने ये देखा कि वो जो है वो एक डिक्लाइन हो गया कि डिप्स में ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है, वो सिर्फ चिप्स के पैकेट उठाते हैं और चले जाते हैं। तो
उन्होंने उसका इंक्रीज बढ़ाने के लिए एक तो ये किया कि उन्होंने डिप्स को लाके वो उन चिप्स के पास शेल्फ में रख दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि जी आप जो है प्रमोशन लगा दी कि जी अगर आप ये दो ये डिप का एक डब्बा लेते हैं तो आपको जो है एक ये चिप्स का पैक फ्री मिलेगा, या आप दो चिप्स के पैक ले लें तो आपको जो है 50% डिस्काउंट पर ये डिप मिल जाएगी एंड स्टफ लाइक दैट। तो उससे जो है क्या हुआ कि इस प्रमोशन से उन सेल्स जो है वो बढ़ गई एंड पीपल स्टार्टेड लाइकिंग डिप्स एंड दे स्टार्टेड बाइंग मोर, ठीक है ना। इसी तरह वो ट्रायल परचेज में वो क्या करते हैं कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू के साथ कंडीशनर जो है वो मर्ज कर देते हैं, शैम्पू या एंटी डैंड्रफ शैम्पू के साथ जो है वो कंडीशनर जो है वो एसोसिएट कर देते हैं कि जो है एक छोटी बॉटल उसके साथ अटैच कर देंगे कि दैट इज फॉर फ्री, यू डू नॉट हैव टू पे एनी मनी, यू जस्ट नीड टू पे फॉर द शैम्पू। तो वो जो है वो आप ट्रायल करेंगे जब कंडीशनर एंड यू फील गुड, तो ऑटोमेटिकली द नेक्स्ट टाइम यू गो एंड मेक अ परचेज ऑफ शैम्पू यू वुड ऑल्सो वुड बी बाइंग अ कंडीशनर फॉर योर हेयर, ठीक है। सो इस तरह की जो प्रमोशंस हैं वो काम करती हैं, जिस तरह भी वो पेप्सी और लेज वाली प्रमोशन जो है वो भी ऑन है, तो आप अगर वो देखें तो वो इट्स वेरी इनकरेजिंग कि यार वो पेप्सी खरीदो तो साथ में आपको लेज मिल जाते हैं, विच इज़ गुड इनफ, ठीक है ना जी। तो और ये हम क्यों करते हैं कि हम जो है चाहते हैं कि लोगों की जो चॉइसेस हैं वो चेंज कर सकें। जो तो ऑलरेडी लॉयल कस्टमर्स हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जो लेकिन जो लॉयल नहीं हैं कस्टमर्स हु हैव अ टेंडेंसी ऑफ यू नो बाइंग कभी ये वाला ब्रांड ले लिया और कभी वो वाला ब्रांड ले लिया, उनको जो है वो लॉयल बनाने के लिए ये इंसेंटिव देना या ये सेल प्रमोशन जो है वो करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। फिर ट्रेड प्रमोशंस होती हैं जो कि मैंने एक आपसे पिछले लेक्चर में भी बात की थी कि आप जो है उनको इंसेंटिव देते हैं रिटेलर्स को या डिस्ट्रीब्यूटर्स को कि वो अपना इतना स्टॉक रखें और जो है वो सेल करें, तो उनको जो है एक फाइनेंशियल इंसेंटिव जो है वो मिलेगा। तो वो फाइनेंशियल इंसेंटिव के पीछे जो है वो इसको दे आर रेडी टू यू नो टेक ऑन दैट स्टॉक। तो इससे आपका जो है स्टॉक जो है इन्वेंट्री वो कम हो जाती है और आपकी जो स्पेस यूजेज है वो कम हो जाएगी, तो आप डिफरेंट तरीके से उनको कंपनसेट कर रहे होते हैं। फिर इवेंट मार्केटिंग जो है इज अ पब्लिक स्पॉन्सरशिप ऑफ इवेंट्स और एक्टिविटीज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स आर्ट एंटरटेनमेंट एंड सोशल कॉजेज। और फिर जो है इसमें जो है आप मूवी रिलेटेड भी हैं, इसमें जो है स्पोर्ट्स रिलेटेड भी हैं इवेंट्स, ठीक है ना, इसमें सोशल कॉजेज भी हैं, तो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो हैं वो आप करते हैं। इस सिलसिले में मैं आपको जो है कुछ एड्स भी दिखाऊंगा, पिक्चर्स दिखाऊंगा, ताकि आप उसको समझ सकें कि जो इवेंट्स हैं वो उसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है, ठीक है। इवेंट स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन ऑप्शन फॉर मार्केटर्स बाय बिकमिंग पार्ट ऑफ अ स्पेशल एंड पर्सनली रेलिवेंट मोमेंट्स इन कंज्यूमर लाइव्स। स्पॉन्सर्स कैन ब्रॉडन एंड डीपन देयर रिलेशनशिप विद देयर टारगेट मार्केट। इस इवेंट स्पॉन्सरशिप के हवाले से अगर आप देखें तो इत्तेहाद एयरवेज एंड एमिरेट्स वो दो मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड लिवरपूल एंड आर्सेनल और इनको जो है वो करने लग गए हैं, स्पॉन्सर करने लग गए हैं, और उन्होंने जो है पूरे पूरे इनक्लोजर्स जो हैं वो स्टेडियम के वो उन्होंने ले लिए हैं और उस पर जो है अपनी ब्रांडिंग की है। उनके जो लोग हैं जो प्लेयर्स हैं उनको उन्होंने जो यूनिफॉर्म्स हैं उनको ब्रांड किया हुआ है। गर्ज ये कि दे आर मेकिंग मिलियंस ऑफ यू नो डॉलर्स इन टर्म्स, दे आर स्पेंडिंग मिलियंस एंड यू नो दे आर मेकिंग मिलियंस, क्योंकि अब जो है क्योंकि वो उन टीम को वो स्पॉन्सर कर रहे होते हैं, तो जो लोग हैं वो क्या करते हैं वो क्योंकि जो टीम को फॉलो कर रहे होते हैं तो उनकी जो है वो भी इंक्लिनेशन जो है वो उस ब्रांड की तरफ हो जाती है, तो दे लव टू फ्लाई विद एमिरेट्स और इत्तेहाद एंड स्टफ लाइक दैट, ठीक है। इसी तरह जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है उसको वो पेप्सी जो है स्पॉन्सर कर रहा होता है। फिर इसी तरह पब्लिक रिलेशंस एंड पब्लिसिटी की बात करते हैं,
तो पब्लिक रिलेशंस एंड पब्लिसिटी रिलेट टू वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स एंड आर डिजाइन टू प्रमोट और प्रोटेक्ट कंपनीज इमेज और इट्स इंडिविजुअल प्रोडक्ट। अब अगर आप इस तस्वीर को देखें तो ये फिएट ने अपने एक ट्रक के लिए ये एक प्रमोशनल एक्टिविटी क्रिएट की थी। ये जो है पीछे एक रेफ्रिजरेटर है जिसके अंदर ये सारी आपकी ग्रोसरी आइटम्स हैं, जिसमें आपके पास दूध है, दही है, मक्खन है, ये सारी चीज़ें जो हैं इस रेफ्रिजरेटर में लगी पड़ी हुई हैं। और उन्होंने आगे जो है ये ट्रक का जो मुंह है वो काट के इसके आगे लगाया हुआ है इस रेफ्रिजरेटर के, ताकि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि जी ये जो ट्रक है उस कितना पावरफुल है कि ये सारी चीज़ें जो है वो खींच के लेके जा सकता है, ठीक है ना। सो लोगों को इंगेज करने के लिए दिस इज अ सॉर्ट ऑफ यू नो बज मार्केटिंग दैट दे आर क्रिएटिंग। फिर ठीक है जी, ओकेजनली अ प्रोडक्ट एंटर्स द मार्केट विद अ लिटिल फैनफेयर येट इज स्टिल एबल टू अट्रैक्ट अ स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस। ये जो है इस तरीके से ये आपने देखा जो फिएट ने किया था। दूसरी तरफ अगर आप ये देखें तो दिस इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ यू नो इवेंट को जो है वो एक बज में भी क्रिएट किया गया है और प्रमोशन भी है, पब्लिसिटी स्टंट भी है। जेम्स बॉन्ड की मूवी थी क्वांटम ऑफ सोलस, उसके रिलीज होने पे ये जो है स्पेशल एडिशन कोका कोला जीरो की बॉटल्स जो हैं वो मार्केट में इन्होंने सेल की थी कोका कोला ने, बिकॉज दे हैड यू नो अ जेवी विद दिस जेम्स बॉन्ड मूवी। और इसमें जो है दो तीन दफ़ा जो है मूवी के अंदर भी कोका कोला जीरो लोगों को पीते हुए दिखाया गया है। इसी तरह जो है ये इसके कमेमोरेटिव जो हैं कैंस आए थे, ठीक है जी, और पीपल यू नो रियली लाइक्ड इट जो इन्होंने कैंपेन की थी, तो लोगों को ये इंगेज किया गया, मतलब लाइक दिस इज अ पब्लिसिटी स्टंट, दिस इज कॉजिंग अ बज एंड इट इज देयर। मकसद अब आप ये देखें कि उसके अंदर वो जो पैकेजिंग है इज डिस्क्राइबिंग एवरीथिंग, मतलब लाइक यू हैव यू नो योर URL, यू हैव ग्रेट टेस्ट, जीरो शुगर का उसके बारे में भी बताया गया है, प्रोडक्ट के बारे में भी बताया गया है, क्वांटम ऑफ सोलस जिनके साथ इनका JV है, जेम्स बॉन्ड की मूवी उसके बारे में बताया गया है, जेम्स बॉन्ड की तस्वीर दी गई है, ठीक है, ओनली इन सिनेमाज, ये भी साथ में बता रहे हैं कि जी अभी इट्स नॉट अवेलेबल ऑन वीडियो और DVD और समथिंग लाइक दैट। सो ठीक है, देन वन कैलरी 330 ml एंड जो है वन कैलरी ओनली, विच इज़ यू नो दिस इज़ वॉट यू नो एवरीबडी वॉन्ट्स, इट शुड बी लो कैलरी, ठीक। ये जो है सर्फ एक्सेल ने जो है एक कैंपेन थी 1 मिनट, तो उसमें जो है ये साहब ये कियोस्क लगा हुआ है यहाँ पे, ये सर्फ एक्सेल के लोग हैं जो के काम कर रहे हैं विद द ब्रांड एक्टिवेशन पीपल, और उन्होंने जो है इन्होंने वहाँ पे कोई एक स्कीम रखी हुई थी कि 1 मिनट के अंदर यू नीडेड टू यू नो आंसर अ सर्टन क्वेश्चन एंड यू नो स्क्रैच अ कार्ड इफ योर नंबर मैचेस। तो देयर वाज अ वॉशिंग मशीन, देयर वर यू नो सर्फ एक्सेल के बैग्स थे, ये थी लैंटर्न थी या जिसको आप कहते हैं इमरजेंसी लाइट थी, ये लैंटर्न थी या इमरजेंसी लाइट थी, और डिफरेंट जो है की चेन्स थे, कैप्स थी, टी शर्ट्स थी जो कि ये लोगों को दे रहे थे, जस्ट दे वॉन्टेड टू इंगेज देम। ये देखिए इसी तरह ये लोग जो हैं, ये कियोस्क लगा हुआ है, ये अम्ब्रेला लगी हुई है, लोग वहाँ पे खड़े हैं लाइन लगा के और जो है अपना वो स्क्रैच कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये जो है जहाँ पे उन्होंने लगाया था ये अंदर उन्होंने ये नया उनको शेल्फ दिया था सर्फ एक्सेल को सेल करने के लिए, और ये जो है ये कारपेट बिछाया गया था स्पेशली विच वॉज लीडिंग टू दैट सर्फ एक्सेल शेल्फ, ठीक है ना। और उसमें जो है ये स्प्लॉच ऑफ द डर्ट इज देयर टू लीड यू टू टूवर्ड्स दैट शेल्फ। तो ये जो है लोगों को इंगेज करने के लिए
जो है वो स्पेशल एक इवेंट सी क्रिएट की गई थी, और जो है उसमें लोग जो है वो बैठे, आप देख रहे हैं कि जो उन्होंने स्क्रैच किया, और फिर ये ट्यूबलाइट भी जो है वो छोटी थी अपना इमरजेंसी लाइट, ये जीती। ठीक है, इसी तरह किसी ने वॉशिंग मशीन भी जीती होगी, इसने किसी ने टी शर्ट जीती होगी, या कोई कैप जीती होगी, या की रिंग जीता होगा। सो इट कुड बी एनी थिंग। सो लाइक दिस वॉज यू नो डन, एंड दिस वॉज यू नो द एरिया मैनेजर फॉर सर्फ एक्सेल, जो के हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दिस एक्टिविटी, जो ब्रांड एक्टिवेशन के लिए ही वॉज देयर। तो वो जो है ही वॉज गिविंग आउट दिस गिफ्ट। ठीक है, हैविंग सेड दैट, ये जो है ये सारे शहर में ये साइकिल्स हैं, ठीक है ना, ट्राइसाइकल्स हैं, जिनके ऊपर ये कैनपी लगा दी गई है, और 1 मिनट कैंपेन जो थी वो लोगों को बताया जा रहा था। सो दिस वॉज अ डिफरेंट वे ऑफ मार्केटिंग, दे वॉन्टेड टू यू नो क्रिएट दैट बज, कि जहां जहां से ये गुजरती थी साइकिलें, तो पीपल यूज टू यू नो टर्न अराउंड एंड सी के वॉट इज हैपनिंग, मतलब वॉट आर दे डूइंग और वॉट आर दे ट्राइंग टू से। सो इट मेड सेंस टू अ लॉट ऑफ पीपल इन दैट रिस्पेक्ट। सो इस सारे एड्स को दिखाने का मकसद ये है कि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि ब्रांड जो है वो किस तरीके से अपनी कम्युनिकेशन के साथ जो है लोगों को एंगेज कर रहा है। ठीक है ना, इसी तरह जो है लोग अपना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। ठीक है, जब कोई लॉन्च करते हैं तो वो प्रेस किट्स बनाते हैं, डिफरेंट यू नो गिव अवेज होते हैं, वो एक बैग के अंदर जो है वो बहुत सारा मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करते हैं लोगों को। ठीक है ना, कुछ छोटे छोटे गिफ्ट्स देते हैं ताकि लोग उनको याद रखें, उसको पढ़ें, और ब्रांड के बारे में जो नॉलेज है वो उनको मिलती रहे। तो इस तरीके से ये जो है उनको काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। अब जो है ये एक ऐसी चीज है जिसको हम पर्सनल सेलिंग कहते हैं, कि दिस इज अ फेस टू फेस इंटरेक्शन विद वन और मोर प्रोस्पेक्टिव परचेजेस फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग सेल्स। ठीक है ना, अब जो है ये जो है दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, जो पर्सनल सेलिंग है ना, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। एवॉन कॉस्मेटिक्स जो है दे वर पाइनियर्स इन सेलिंग कॉस्मेटिक्स फ्रॉम डोर टू डोर इन अमेरिका एंड देन वर्ल्ड वाइड। एवॉन लेडीज जो हैं वो एक अदद उनके पास बैग होता था, जो कि वो उठा के हर गली मोहल्ले में चली जाती थी, और वो जाके लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट मेकअप करती थी। बैक इन 30s, 40s, 50s, 60s मेकअप जो है वो इतना अच्छा समझा नहीं जाता था, इट वॉज रिलेटेड टू ग्लैमर, एंड देन पीपल वर यू नो डिड नॉट हैव मच मनी, उनको जो है इतना एटिकेट्स भी नहीं आते थे उस मेकअप के। तो ये जो एवॉन लेडीज थी ये क्या करती थी, ये जाती थी, क्योंकि ये जो जमाना है ना 1930s से लेके ये 60, ये World War I, World War II और उसके बाद के एरा की मैं बात कर रहा हूँ। सो लाइक जो है लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे, मतलब बहुत सिंपल लोग हुआ करते थे, जो बहुत अफ्लुएंट कुछ फैमिलीज थी वो उनके पास ही पैसे हुआ करते थे, और वो दे वर वेरी फ्यू, एक आम जो इंसान है, एक आम औरत जो है उसको वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो एवॉन ने एक आपके लिए एक सस्ता सोल्यूशन बना के जो है वो पर्सनल सेलिंग को एक नया टच दिया। उसमें जो है जो एवॉन लेडी होती थी, जो कि आपके घर आती थी, वो वॉज वेरी स्मार्टली ड्रेस्ड। ठीक है, उसका अपना मेकअप वेकअप बड़ा अच्छा हुआ हुआ होता था, वो जाती थी और वो आपको 5, 10, 15 मिनट का डिमॉन्स्ट्रेशन देती थी और वो बताती थी। और फिर वो जो है व्हेन शी यूज टू कम आउट, क्योंकि उसके पास एक बड़ा सारा सूटकेस होता था जिसके अंदर वो सारा मेकअप होता था उसके पास, तो वो जो है उस उन खातून को कुछ ना कोई चीज जो है वो बेच के आती थी, क्योंकि पहले वो मेकअप करके दिखाती थी कि ये जो मेकअप है आपको कितना अच्छा बना देगी। तो लाइक वो जो खातून है खाना, मकसद अगर आप सुबह 10-11 बजे जो है वो किसी के घर की घंटी बजाएंगे
तो जाहिर सी बात है उस जमा उस टाइम पे तो वो जो खातून खाना जो है वो घर पे या तो खाना पका रही होगी, सफाइयाँ हो रही होंगी, या कोई एक्स वाई जी काम हो रहा होगा घर से रिलेटेड, तो ऑब्वियसली वो जो है कोई ड्रेस्ड अप तो नहीं होगी ना। शी वुड नॉट बी समबडी यू नो हु इज लाइक ऑल डेक्ड अप टू गो सम प्लेस। मतलब वो कोई 100 में से एक आदमी होगा, कोई ऐसा बंदा जो कहीं जाना होगा तो वो तैयार शहर होगी। तो वो जो है उनको वो जब शी यूज टू यू नो दैट एवॉन लेडी यूज टू यू नो टेल देम द बेनिफिट्स ऑफ दैट ब्रांड एंड यू नो द गुड एट्रीब्यूट्स इट हैड एंड द गुड इफेक्ट इट हैड ऑन यू नो दैट लेडी। तो शी ऑलवेज यूज टू यू नो बाय अ लिपस्टिक और ब्लश ऑन और यू नो पफ और वट एवर दैट वॉज अवेलेबल। तो वो कॉस्मेटिक्स ले लेती थी एंड दे यूज टू मेक अ सेल एंड कम आउट। और फिर वो जो है द ट्रेंड स्टार्टेड कैचिंग ऑन एंड यू नो दिस वॉज दिस होल कॉन्सेप्ट वॉज देन टेकन टू। और ये जो है फीमेल जो सेलर्स हैं वो काफी आपको देन यू यू स्टार्टेड सीइंग देम इन द मार्केट। तो आजकल तो जो है ऐसा नहीं होता है, डोर टू डोर फीमेल्स डू नॉट गो। अब जो है ये ट्रेंड कम हो गया है। तो उनको जो है प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती थी, ठीक है ना, उनको जो है सिखाया जाता था कि किस तरीके से कस्टमर को एंगेज करना है और उसे इन्वॉल्व करना है, ठीक है ना। और उससे जो है और इसमें जो है एक और चीज़ जो जो है कि ये दिस वुड कम फ्रॉम द टॉप। मकसद अगर आपका जो कंपनी का जो टॉप गाय है इफ ही और शी इज नॉट यू नो कन्विंस्ड कि वी नीड टू डू दिस पर्सनल सेलिंग देन इट कैन नॉट हैपन। अब अगर आप देखें तो इन्होंने जो है जितने बड़े लग्जरी ब्रांड्स हैं दे हैव यू नो फैशन कंसल्टेंट्स सिटिंग इन देयर यू नो बुटीक्स। इट इज नॉट लाइक कि आप जाएंगे एंड यू कुड यू नो जस्ट पिक आउट यू नो समथिंग फ्रॉम द शेल्फ और वो आपने पहन के देखा और आपको अच्छा लगा और आपने ले लिया। देयर आर फैशन कंसल्टेंट्स whose job is to you know tailor whatever is available to your desire or need। अब आप अगर जा गए और आपने कहा जी मुझे जो है कुछ शर्ट चाहिए वो 15 कॉलर की, तो वो आपको इस तरह शर्ट नहीं देगा, वो आपसे बकायदा, क्योंकि उसका काम है सेल करना। वो आप इस तरह एक शर्ट खरीदेंगे वो प्रोबेबली आपको कन्विंस कर लेगा कि आप 5 लेके जाएं। वो आपने कह दिया ना कि जी मुझे 15 कॉलर की शर्ट चाहिए, वो कहेगा कि जी अच्छा ठीक है, वो कहेगा कि नहीं पहले मैं आपको देता हूँ ये शर्ट, आप इसे ट्राई करके देखें वेदर इट फिट्स यू और नॉट। मतलब आर साइजेस आर अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द अदर पीपल। सो वो पहले आपको एक शर्ट देगा, आप उसको पहनेंगे, फिर उसके बाद जो है वो आपसे पूछेगा व्हाट टाइप ऑफ फैब्रिक डू यू वांट, व्हाट टाइप ऑफ स्टिच यू लाइक, ठीक है ना, वेदर यू वुड लाइक योर शर्ट टू बी अ फॉर्मल और कैजुअल, ठीक है ना, यू वांट इट टू बी यू नो इन अ फिटिंग और यू वांट इट टू बी अ रेगुलर फिट, ठीक है ना, फुल स्लीव्स, हाफ स्लीव्स, फ्रेंच कफ्स, नॉर्मल कफ्स, यू नो फ्रेंच कॉलर, अमेरिकन कॉलर, इस किस्म की वो बातें आपसे पूछेगा जो कि देर आर इवन टाइप्स यू वुड नॉट इवन नो के यार मतलब दे एग्जिस्ट। सो पर्सनल सेलिंग में तो वो जो है वो आपको जो है इंगेज कर लेगा ब्रांड में ज्यादा से ज्यादा, और फिर वो जो है आपको कलर्स बताएगा एंड विच वुड यू नो व्हेन यू वुड वेयर देम यू वुड यू नो लुक गुड एंड यू दे वुड लुक नाइस ऑन यू एंड यू वुड से यार अच्छा मेरा ख्याल है मेरा ये एक नहीं मैं दो ही ले लेता हूं एंड दैट्स व्हाट ही इज देयर फॉर, ठीक है। सो इसमें जो है जो मोटिवेशन है वो जो सेलर है उसकी भी होती है बिकॉज उसको जो है एक सर्टन जो है ना परसेंटेज ऑफ द सेल्स वो उसको भी मिल रहा होता है। इमीडिएट फीडबैक भी साथ साथ आ रहा है और जो है वो इलेक्ट्रॉनिक लिंक्स भी आपके साथ वो मतलब यू एक्सचेंज यू नो योर ईमेल एड्रेस द यूआरएल्स एंड यू आर यू टेल देम कि यार आपका ये जो है ये कस्टमर नंबर है, सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर यू नो ऑनलाइन यू जस्ट गिव अस दिस कस्टमर नंबर तो वी वुड नो हैव योर डिटेल्स, तो
तो वी वुड यू नो बी एबल टू टेल यू कि व्हाट इज अवेलेबल विद अस एंड व्हाट इज नॉट. तो इमीडिएटली तो आपकी जो सिलेक्शन में जो है वो यू वुड हैव यू नो ईज ऑफ सिलेक्शन एंड शिपिंग. इसमें जो है आपको ऑटोमेटिकली यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज दिस हैपनिंग. ये सारी बातें जो मैं आपसे कर रहा हूं यहां पे जो है जो द एम्फेसिस इज ऑन द कम्युनिकेशन. क्योंकि इफ दैट कम्युनिकेशन इज नॉट देयर यू वुड नॉट बी एबल टू यू नो रियली मेक दैट डिफरेंस फॉर योर कंज्यूमर फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन. यहां पे जो जो स्पॉन्सरशिप और इवेंट्स हैं इसमें वी टेंड ऑन यू नो ब्रिंगिंग ऑन बिग नेम्स बिग सेलिब्रिटीज. हम उसमें डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस दैट वी वांट टू प्रोवाइड हम देखते हैं कि हु कुड मेक अ डिफरेंस. तो पीपल टेंड टू यू नो एसोसिएट देमसेल्व्स विद डिफरेंट सेलिब्रिटीज एंड हु आर यू नो अवेलेबल एट दैट पॉइंट इन टाइम. कोशिश यही होती है कि कोई भी ऐसी सेलिब्रिटी ना लेके आए जो कि कॉन्ट्रोवर्शियल हो. ठीक है ना. बिकॉज वेन यू गेट समबडी हु इज कॉन्ट्रोवर्शियल योर कस्टमर्स टेंड टू शाय अवे. तो इट इज वेरी मच नेसेसरी कि यू गेट समबडी हु इज न्यूट्रल हु इज एक्सेप्टेबल टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. देर आर टाइम्स वेन नेगेटिव पब्लिसिटी हेल्प्स बट इट ओनली हेल्प्स वेन योर ब्रांड इज एस्टैब्लिश्ड. अब जैसे अगर आपको याद हो जो पहला T20 वर्ल्ड कप था उसमें जो इंडियन एड्स थे उसमें ये सारे जो थे ना उनके प्लेयर्स वो कुछ ना कोई चीज इंडोर्स कर रहे थे. बट वेन दे लॉस्ट इन द सेमीफाइनल्स ऑल ऑफ अ सडन दे हैड टू चेंज द होल मार्केटिंग प्लान. उनको जो है दूसरे एड्स जो है वो लेके आने पड़े क्योंकि उन्होंने टाइम तो बाय किया हुआ था और वो नेगेटिव इफेक्ट दे रहा था उन प्रोडक्ट्स के लिए उन ब्रांड्स के लिए जिनको उन सेलिब्रिटीज ने इंडोर्स किया हुआ था. सो दे हैड टू कम अप विद यू नो नॉर्मल एड्स दैट वर बीइंग प्लेड बिफोर दैट T20 मैचेस क्योंकि देयर प्लेयर्स कुड नॉट परफॉर्म एंड यू नो रीच फाइनल्स. वो बहुत बड़ा एक सेटबैक था उनके लिए एडवर्टाइजिंग के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था बिकॉज दे कुड नॉट कैपिटलाइज. उन्होंने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रुपीज जो हैं वो पोर किए हुए थे उस सारे सिलसिले में. बट व्हेन देयर टीम कुड नॉट यू नो परफॉर्म दे वर हिस्ट्री. कुछ उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्होंने क्या करना है. ठीक है. अब इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या है. इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन इज इन शॉर्ट द वॉइस ऑफ द ब्रांड. ठीक है. इट मीन्स बाय विच इट कैन एस्टैब्लिश अ डायलॉग एंड बिल्ड रिलेशनशिप्स विद कस्टमर्स और कंज्यूमर्स. ठीक है. एस्टैब्लिश अ डायलॉग रिमेंबर. फिर अलाउ मार्केटर्स टू इन्फॉर्म परसुएड प्रोवाइड इंसेंटिव्स एंड रिमाइंड कंज्यूमर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. Can contribute to brand equity by establishing the brand in memory and linking strong, favorable, unique associations to it. Ab IMC jo hai, it is taking this all of this process a bit further. Before IMC, we were utilizing this advertisement and promotions and event marketing in a सेपरेट कॉन्टेक्स्ट. ठीक है ना. अब क्या है, यू आर मेकिंग IMC द वॉइस ऑफ द ब्रांड. व्हेन यू आर मेकिंग इट द वॉइस ऑफ द ब्रांड यू इंटेंड ऑन यूजिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑल ऑफ द प्रमोशनल मटीरियल और गाइडलाइंस इन कोलैबोरेशन विद ईच अदर. You have a whole marketing or marketing communication plan with you
which says ke okay, in the first quarter we would go ahead and, you know, advertise in TV, in newspapers, in magazines. In the second quarter, in addition to the three, we would have, you know, brand launch stunt, where we would, you know, have an event and we would create a buzz. We would have certain celebrity coming in. We would have, you know, certain people from the media or who are technical enough to understand our brand and write about our brand. We would, you know, go to certain TV programs where, you know, our product will go and it would be showcased so that, you know, the people following that program could, you know, see it. Or isi tarike se we would persuade, we would remind, we would inform, give incentives and do whatever is required in the third quarter. And then in the third quarter, end of the third quarter and beginning of fourth quarter, we would assess all of what we had done in during the year and what we have, you know, gotten in return. And we would still go ahead with these advertisements and, you know, promotions. Or we would, you know, go ahead and, you know, we would start some sort of a sale. And then also plan for the next year. Kyunki saath saath aap sales figures ko jo hai wo match kar rahe hote hain, so it is very much necessary. Theek hai? तो जो है वो यूनिक जो यूनिक एसोसिएशन है उसको बनाने के लिए आपको जरा थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है. अब यूनिक एसोसिएशन के लिए लेट मी शो यू दिस एड. ये एक एड क्योंकि कैंपेन से रिलेटेड है जो कि एंटी स्मोकिंग पे बनाई गई थी. ठीक है, तो उन्होंने जो है जो स्मोकिंग की वजह से जो लोगों को प्रॉब्लम्स होते हैं ये उसमें दिखाए गए हैं. अब ये जो स्मोकर्स हैं उनको भी अट्रैक्ट करती है और जो पोटेंशियल स्मोकर्स हो सकते हैं ये उनको भी अट्रैक्ट करती है. दिस इज अ कैंपेन ताकि लोग जो है वो कम से कम स्मोकिंग करें. ठीक है ना, आपने इसके जो है जैसे ये वाला एड है ये आपने देखा होगा जो पिक्चर्स इस किस्म की बनी हुई उसके ऊपर आपको नजर आई होंगी. ठीक है ना, अब जो है जब भी इस किस्म की कोई इमेज आप देखेंगे तो फौरन आप रिलेट कर सकते हैं. ये कुछ लोगों के लिए फेवरेबल नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए डिटरेंट के तौर पे काम करेगा. वी इस कैंपेन को देखने के बाद वी वांट दिस टू बी टेकन एज अ डिटरेंट. ठीक है ना, ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें दिस would be taken as a, you know, a favorable unique association. People who like Bond, people who like action movies, they would immediately would like to associate with it. ठीक है ना, यहाँ पे people who want to, you know, buy a truck which could load things and, you know, go from places to places, transport, you know, stuff, they would be interested in this, you know, certain this truck. They would like to get more information कि यार इतना लोड जो है वो अगर ये ट्रक उठा सकता है तो इसकी क्या कॉस्ट होगी, क्या हॉर्स पावर है, क्या मेंटेनेंस है, आफ्टर सर्विस या आफ्टर सेल्स जो है उससे मुझे क्या फायदा होगा. है ना, सेम. तो आपको जो है उसमें आसानी हो जाएगी इसको देखने में, ऐसे ही है ना. सो जो आईएमसी है वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रही है. मकसद जाहिर सी बात है, अब खाली आपने ये जो ट्रक आपने देखा है या ये जो बॉटल है ये एक जगह है ना, लेकिन किसी तरीके से बताया तो गया होगा ना, किसी एड में वो बॉटल आई होगी, वो जो ट्रक है वो कहीं ना कहीं उसका एड शो किया गया होगा या प्रिंट किया गया होगा. ठीक है ना, उसका कोई मार्केटिंग मटीरियल बना होगा
जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा, ठीक है ना, और फिर जो है जो इंडस्ट्री के जो स्पेशलिस्ट हैं उनको कहा गया होगा कि आप इसको जो है टेस्ट करें और उसके बारे में लिखें, बताएं लोगों को कि ये जो है डज इट, यू नो, जो भी वट एवर वी आर यू नो प्रोमिसिंग, डज इट डिलीवर और नॉट। अगर आप देखें तो आजकल जो है बहुत सारे लोग जो हैं नए नए रेस्टोरेंट और कैफेज जो हैं वो दे आर क्रॉपिंग अप एवरीवेयर इन द सिटी, वेदर इट बी कराची, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, क्वेटा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, तो एवरी डे देर इज अ न्यू ईटरी ओपनिंग अप। सो यू कैन नॉट जस्ट यू नो वॉक इन टू एवरी ईटरी एवरी डे एंड यू नो टेस्ट वॉट इज यू नो वॉट दे आर ऑफरिंग। तो इट इज थ्रू दीज यू नो मार्केटिंग कम्युनिकेशन एक्टिविटीज, तो उसमें देर आर पीपल हु यू नो हु आर नोन फॉर टेस्टिंग फूड, तो दे गो एंड विजिट दोज रेस्टोरेंट्स, एंड वेन दे विजिट दोज रेस्टोरेंट्स दे राइट अबाउट देम, पीपल रीड दोज आर्टिकल्स एंड दोज ब्लॉग्स एंड देन दे मेक एन ओपिनियन वेदर दे वॉन्ट टू गो देयर and you know have food there or you know test whatever they are offering or just you know go to their regular joints where they you know they love to hang out. So jo hai agar aap kahin bhi chale jaye, like ab jo hai jo purane brands hain jo ke established brands hain like you know KFC and McDonald's and Hardee's and ye established brands hain, उनको इतना प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज यू नो व्हेन पीपल डू नॉट हैव यू नो एनी अदर ऑप्शन और एनी प्लेस टू गो टू दे लव टू गो टू दीज प्लेसेस, दे लव टू गो देयर एंड यू नो हैव फूड, बिकॉज उनको पता है कि एक कंसिस्टेंसी है यार, आज भी जाएंगे तो उसी तरह का बर्गर मिलेगा, कल भी जाएंगे तो उसी किस्म का बर्गर मिलेगा, दे डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम। लेकिन जो बाकी जो कैफेज और रेस्टोरेंट्स है वहां पे यू फाइंड कि देयर इज अ प्रॉब्लम, आफ्टर सम टाइम यू नो दे डू नॉट हैव अ कंसिस्टेंट टेस्ट, टेस्ट चेंज हो जाता है एंड देन यू टेंड टू शाई अवे फ्रॉम दैट प्लेस। तो इसलिए आप जो है वो हर जगह हर नए जो है रेस्टोरेंट या ज्वाइंट में नहीं जाते हैं, आप यूजली यू नो यू सर्च फॉर इट, यू आस्क पीपल कि यार वो कैसी है नई जगह बिफोर यू नो रियली गोइंग एंड यू नो स्पेंडिंग दैट अमाउंट ऑफ मनी। अगर आप जो है जाते हैं, आप टोयोटा क्रोला चलाने वाले हैं और आपको जो है वो आप होंडा सिविक लेने की सोच रहे हैं, तो उसको लेने से पहले जो है आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं और वो जो है वो इन्फॉर्मेशन इन्हीं सारी टूल्स से आपके पास आती है, ठीक है ना, एंड देन यू नो यू मेक अ डिसीजन कि वेदर यू वॉन्ट टू गो अहेड एंड बाय इट और यू डू नॉट, ठीक है। सो हमने अब बेसिक जो प्रेमिस है ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन कि जी एडवर्टाइजिंग है, प्रमोशन है, इवेंट्स हैं, स्पॉन्सरशिप्स हैं, इन सब पे हमने बात कर ली है। अब हमने इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन को भी बता दिया कि जी वो वॉइस है अब ब्रांड की, तो हमने जो है वो एक डायलॉग इस्टेब्लिश करना है बिटवीन द कंज्यूमर एंड द ऑर्गेनाइजेशन और द ब्रांड, सो दैट व्हेन दैट डायलॉग स्टार्ट्स it is then we have you know the we can get that desired level of brand knowledge transferred to that consumer, because if that communication is not there to wo us communication ko start karne ke liye we would have to integrate all of these you know marketing communication pillars together you know in a timely manner so that we are at the right place at the right time for the right consumer टू मेक दैट कनेक्शन। अगले लेक्चर के साथ फिर मिलते हैं, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।